पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज प्रधान डाकघर मुरादाबाद के परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डाक विभाग मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारी प्रवर डाक अधीक्षक मुरादाबाद अमित दत्त ने गैर सरकारी संगठन एनजीओ यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल मुरादाबाद के साथ मिलकर पौधारोपण करते हुए मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में डाक विभाग के समस्त कर्मचारियों और जनता को जागरूक किया। साथ ही ये संदेश दिया गया कि संपूर्ण मानवता का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है और एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के बिना मानव समाज की कल्पना अधूरी है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए पौधे अवश्य लगाए, क्योंकि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज की जो थीम है वो है डेजर्टिफिकेशन और लैंड रिस्टोरेशन से पे फोकस किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज मुरादाबाद मंडल में येप नाम के एनजीओ तथा हमारे सभी डाक विभाग के कर्मचारियों के साथ हमने मुरादाबाद मंडल परिसर में वृक्षारोपण किया और इसके लिए इसकी जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को अवेयर किया। और यही था इस तरीके से फैलना चाहिए। जैसा हम सभी देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो एक रियलिटी बन चुका है और जिसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से हम सभी लोग जूझ रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स जैसे फ्लड्स है और हीट वेव्स है, एक्सट्रीम रेनफॉल है, ये चीज़ें ऑल ओवर इंडिया फेस की जा रही हैं। तो मैंने सभी लोगों को ये अवेयर करने की कोशिश करी कि एटलीस्ट हमारे जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए आज अपने स्तर पे वृक्षारोपण ज़रूर करें। और ये वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपने जीवन पे हम लगातार जो है वृक्षारोपण करते रहें समय समय पर। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल की सदस्याओं ने प्रधान डाकघर जेल रोड पर एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। डाकघर विभाग और यप संस्था ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और साथ ही कहा कि पर्यावरण संरक्षण में काम करना हमारी आवश्यकता है और पर्यावरण को संरक्षित करना भी हमारी जरूरत है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। जैसे कि सबको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आज देखा जाए तो देश में 500 करोड़ से भी ज़्यादा पौधों की ज़रूरत है। इतना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत की है हमने। वैसे तो हम हर साल करते हैं, अगर आप पौधे अभी से लगाना शुरू करेंगे तो आने वाले कुछ समय में जब ये पौधे बड़े होंगे तो हवा हम ही को मिलेगी। जैसा कि सब लोग देख रहे हैं, धूप इतनी तेज़ होती है, लोगों को कहीं कहीं सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। अगर पौधे जब आगे बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे जो बच्चे आने वाले टाइम में फेस करेंगे उससे उनको परेशानी कम होगी। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आज ही के दिन लगाएं, आने वाले पर डे में अगर आप एक या दो पौधा भी लगाएंगे तो इससे हमारे देश में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं वो कम हो जाएंगी। और देखा जाए तो बीमारियाँ भी बहुत फैल रही हैं, तो पेड़ से और जो हवा मिलेगी उससे हमारी बीमारियों में भी थोड़ा सा कम होगा और इससे हमें सबको ही राहत मिलेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।